हेलो वन, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू कुछ नया जानो। दोस्तों, हमारी मकबूल सकाफत में सौतेली माएँ बुरी चुड़ैलों की वजह से बहुत शोहरत रखती हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी सौतेले वालदैन या माएँ ज़रूर होती हैं जो अपने सौतेले बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, उनकी केयर करते हैं और उनकी अच्छी परवरिश करते हैं। लेकिन इसी हकीकी ज़िंदगी में कुछ बुरी सौतेली माएँ भी हैं जिन्होंने अपने बच्चों को होलनाक तरीके से मारा। आज मैं आपसे कुछ इन्हीं बुरी सौतेली माओं का जिक्र करूंगी। सबसे पहले बात करते हैं जेसिका एन कॉक्स नामी सौतेली माँ की, जो कि 39 वर्ष में 2013 में गिरफ्तार हुई। दोस्तों, ये औरत अपने दो सौतेले बेटों को बुरी तरह मारती थी, उनको रोलिंग पिंस और बेल्ट से मारती थी। उनके बच्चों ने बयान दिया कि उनकी सौतेली माँ ने उन्हें 3 दिन तक खाना नहीं दिया था और साथ ही सिगरेट जला के उनके जिस्म पे लगा के उन पे तशद्दुद करती थी। साथ ही उन्होंने आइस क्यूब से भरे बाथटब में बरहना करके बैठा देती थी। नंबर 2, ट्रेसी राइट। 31 साल ट्रेसी राइट को अपनी 6 साल सौतेली बेटी को अजियतनाक मौत देने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया और 15 साल की सजा सुनाई गई। इत्तलात के मुताबिक वो बच्ची को बड़ी बेदर्दी से मारती थी और इसे भूखा रखती थी, जिसकी वजह से उसकी मौत वाकिया हुई। नंबर 3, हीदर लीवेल कीटन। इस सौतेली माँ को इसके 5 और 3 साल सौतेले बच्चों के साथ बदसलूकी, तशद्दुद और कत्ल के इल्ज़ाम में मौत की सजा सुनाई गई। बच्चों के बाप को भी अपनी बीवी के साथ शामिल था, इसलिए उसको भी मौत की सजा सुनाई गई। उन दोनों ने बड़ी बेरहमी के साथ बच्चों को मारा था। वो सिगरेट सुलगा कर और मोमबत्ती जला के उनको तड़पा तड़पा के सजा देते थे। बच्चों को जहरीली अदवायात का निशाना बनाया और आखिर में बच्चों को बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। अगली बात करते हैं पेनिसिल्वेनिया सौतेली माँ की, जो अपनी 6 साल सौतेली बेटी के हाथ जलाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। एक तफ्तीश के नतीजे में हुकाम को ये मालूम हुआ था कि वो औरत 3 साल से उस बच्ची पे जुल्म कर रही थी, उसको बार बार जला के तशद्दुद करती थी, जिसकी वजह से उसको बहुत लंबे अरसे की सजा सुनाई गई। अगली बात करते हैं। नंबर 5, मिस्टी स्टोडर्ड। दोस्तों, इस औरत की सौतेली बेटी ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसकी मौत वाकिया हो गई थी, लेकिन बज़ाहिर लग रहा था कि उसकी माँ ने डक्ट टेप से बच्ची का मुंह बांधा था, जिसकी वजह से उसकी मौत वाकिया हुई। और आखिर में हम बात करते हैं नंबर 6, शकीला एल बेर्ड। दोस्तों, ये 35 साल स्टेप मदर ने अपने 5 साल सौतेले बच्चे पे बहुत जुल्म किए। इस बात का इंकशाफ तब हुआ जब स्कूल की इंतजामिया ने बच्चे के भूखे रहने की इतला दी और उसके बच्चे के पूरे जिस्म पे जलने के दाग पाए गए थे। साथ ही बेल्ट से मारने के भी निशानात वाजिया थे। साथ ही उस औरत ने जज के सामने एतराफ किया कि वो बच्चे को कई बार स्कूल से आने के बाद रूम में लॉक कर देती थी, जिससे वो अगले दिन स्कूल नहीं जा पाता था। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसी भी माएँ पाई जाती हैं जो सिर्फ खूनी रिश्ता ना होने के सबब जुल्म की हर हद पार कर देती हैं। वीडियो यही ख़त्म करती हूँ। मज़ीद नए नए दिलचस्प वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।